क्योंकि ये टफ पिच के ऊपर जबरदस्त बैटिंग की आपने, क्या उस वक्त आपके जेहन में चल रहा था? बिल्कुल रमेश भाई, टफ था क्योंकि जैसे हम आए तो मैं था सीमा मलहब को इस कंडीशन के बारे में पता था क्योंकि वो कह रहे मेरे इलम में था कि जैसे आए तो उसने कहा कि हमारे लग रहा है कि 240 तक ये पिच है और हमने अपना माइंड में थोड़ा चेंज ही रखा क्योंकि सुबह हमारी मीटिंग हुई कि हमने थोड़ी चीज़ों को डिफरेंट ही करना है क्योंकि एक बड़ा मार्जिन रखना है 300 का प्लस का, मगर फिर भी कंडीशन को एडजस्ट करना है जिस तरह हम पास्ट में करते आ रहे T20 में उसी को अप्लाई किया है, हमारे ओपनर्स ने टेक किया है मगर उसमें विकेट लूज हुई तो उसके बाद ये कि थोड़ा सा डीप जाए और उसको अटैक किया जाए। यहाँ पे आपने एशिया कप के भी मैच खेलने हैं, ये एक्सपीरियंस एक तरह से फायदेमंद होगा? हाँ बिल्कुल रमेश भाई, फायदेमंद है क्योंकि इन्हीं का ग्राउंड्स में खेलना है और जिस तरह इमाम को पता था उससे पहले वो जो LPL के लिए उनको पता था, बाकी लड़कों को भी पता चल गया, बॉलर्स को पता चल गया, तो ये एक फायदेमंद है हमारे लिए। बॉलिंग को कैसा रेट किया आप तो कीपिंग किया आपने, क्या टफ कंडीशंस हैं लेटर ऑन अंडर लाइट्स बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए? रमेश भाई बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट रहा है, अर्ली ऑन भी थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि बॉल ग्रिप कर रहा था, सेकंड टाइम थोड़ा सा बॉल निकल रहा था मगर एंड में थोड़ा सा बेहतर था। और रमेश भाई अगर हकीकत कहा जाए कि हमारी परफॉर्मेंसेज में और जो जीत के किरदार में उसमें हमारे फास्ट बॉलर्स का बहुत अहम रोल है पिछले 2 साल से क्योंकि हम अपने फास्ट बॉलर को देखते हुए इतना टारगेट सेट करते हैं जिसकी वजह से हमें आसानी हो जाए, सम टाइम ज्यादा रन मिल जाते हैं। आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और ODI में किस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है आपको? रमेश भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समटाइम क्योंकि समटाइम नए बॉल पे खेलना पड़ता है, समटाइम जब आते हुए बॉल ग्रिप कर रहा होता है, समटाइम एक्सीलरेट करना पड़ता है, डिफरेंट चीज़ें रिक्वायरमेंट है मगर कोशिश करता हूँ कि जो टीम के रिक्वायर्ड उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। समटाइम इंसान हम कम से नहीं होता मगर हम कोशिश वही करते हैं जो टीम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। बहुत आला खेल आपको, बहुत बहुत थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू रिजवान।